में शामिल करते हैं खुशाब से। खुशाब समेत सरगोधा डिवीजन के दीगर अजला बकर और मियां वाली में कपास की काश्त का हदफ 1,80,000 एकड़ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि डिवीजन बार में 1,33,000 एकड़ रकबा कपास के जेरे काश्त लाया जा सकता है और मंजूर शुदा इकसाम पर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाही आतफ की खसूसी रिपोर्ट। खुशाब समेत सरगोधा डिवीजन के दीगर अजला बकर और मियां वाली में कपास की काश का हदफ 1,80,000 एकड़ मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि डिवीजन भर में 1,33,000 एकड़ रकबा कपास के जेर काश्त लाया जा चुका है और मंजूर शुदा इकसाम पर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सऊ की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में कपास की काश का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर सरगोधा डिवीजन अजमल भट्टी और डिप्टी कमिश्नर खुशाब बकर और मियां वाली ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कपास की ज्यादा रकबा पर काश तो पैदावार मुल्क की मईशत में इस्तेकाम की ज़मीन है। इमसाल सरगोधा डिवीजन के जिला खुशाब सरगोधा बकर और मियां वाली में कपास की काश्त का हदफ 1,80,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। डिवीजन भर में 1,33,000 एकड़ रकबा कपास के जेर काश्त लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इमसाल कपास के काश्तकारों की पैदावारी लागत में कमी के लिए मुंतखब मंजूर शुदा इकसाम पर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इफ्तिखार अली शव ने कहा कि कार्टन एक्शन प्लान पर अमल दरामद से 3 अरब डॉलर ज़र मुबादला का हसूल मुमकिन होगा।